आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल में डैशबोर्ड रिपोर्ट ऑटोमेशन में हम बात करेंगे चार्ट्स के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो चार्ट्स के ऊपर है। हमने प्रीवियस दो क्लासेस में चार्ट्स के बारे में ही पढ़ा है, आज हम इसमें भी चार्ट्स पे ही पढ़ने जा रहे हैं। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि आखिर चार्ट का इस्तेमाल होता कहाँ है, ठीक है। तो चार्ट के इस्तेमाल में हम बात करेंगे कि उसके अंदर जो फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले को कैसे हम रीड कर पाएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे मंथ दे दिया, सेल्स दे दिया और टारगेट दे दिया, तीन हमने यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ हम कुछ हेडिंग देते हैं। सैंपल डेटा रैंक बिटवीन फॉर्मूला से मैं बना रहा हूं। इस पे मैंने मान लीजिए हमने कोई भी चार्ट, कॉलम चार्ट की बात कर लेता हूं। यहां हम कॉलम चार्ट को क्रिएट करते हैं। देखिए जब भी जैसे कि हमने आपको बहुत पहले की क्लास में बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी डेटा से लिंक होता है तो वो एक फॉर्मूले के थ्रू लिंक होता है। तो चार्ट भी एक ऑब्जेक्ट ही है और एक डेटा से लिंक है तो फॉर्मूले से लिंक है। बट फॉर्मूला कैसे पता चलेगा? जैसे सीरीज पे मैंने क्लिक किया, यहां देखिए ऊपर सीरीज का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है क्या, चलिए पहले समझते हैं। सबसे पहला आपको यहां दिख रहा है उसको ये जो आपका है इसको बोलते हैं टाइटल, मतलब जो ये सेल्स टारगेट जो लिखा हुआ है ये इससे आता है। दूसरा इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, मतलब कि जैन फैब मार्च है, ये है आपका। और तीसरा जो है सबसे मेन होता है वो होता है जिससे आपका सीरीज कन्वर्ट होता है। और चौथा पोजीशन, ये पहले नंबर पे है या दूसरे नंबर पे है। अब जैसे मान लीजिए कि सेल्स हमारा यहाँ पहले नंबर पे है, देन हमारा टारगेट। अब मुझे इसको स्विच करना है, मैं चाहता हूँ कि पहले टारगेट दिखे देन सेल दिखे, तो इसके लिए आपको यहाँ डेटा चेंज करने की जरूरत नहीं। आप यहाँ टारगेट वाले पे क्लिक करें, ये जो लास्ट में पोजीशन दिख रहा है पोजीशन को वन के जगह पे टू कर दीजिए, टू के जगह पे वन कर दीजिए। आया स्टार्टिंग में इस तरह से इसका चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से टाइटल मान लीजिए सेल्स है, लेकिन मैं यहां कुछ और टाइटल देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं सेल्स 2020, और 2020 के लिए मैंने क्या किया हुआ है कि ऑटोमेटिक फॉर्मूला लगा दिया। कैसे? इक्वल प्रेस किया, इनवर्ट कॉमा में सेल्स दिया और एंड के साथ ईयर का फॉर्मूला में टुडे का फॉर्मूला लगा दिया, तो सिस्टम डेट से करेंट ईयर शो करें। अब मैं चाहता हूं कि मेरा सेल्स का जो टाइटल हो यहां से ना आए, यहां से उठ गया, तो मैं सेल्स पे सिलेक्ट किया और यहां जहां A2 था इस A2 को डिलीट कर दिया और इसके जगह पे हमने इसको सेलेक्ट कर दिया। यहां पे सेल्स आ गए 2020। इस तरह से हम इसका मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो और क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है हम आपको अभी इस बारे में तुरंत बताते हैं। उससे पहले कुछ और चार्ट के ट्रिक्स को समझते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, मेरे पास यहाँ कंडीशनल कलर हम देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मान लीजिए नेम, और नेम के साथ हमारे पास यहाँ सेल्स है। जरूरी नहीं कि फॉर्मूला हम चार्ट के अंदर ही करें, हम चार्ट के बाहर भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मान लीजिए रैन बिटवीन फॉर्मूला लगाया और यहाँ पे हम देखें, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए कि मैंने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद हम कॉलम चार्ट ही बना, मैं चाहता हूं कि अलग अलग कलर हो। मैं चाहता हूं अलग अलग कलर, मतलब मैं चाहता हूं कि जो 50 से ऊपर वाले हैं वो उसका कलर कुछ और हो, 80 से ऊपर वाले का कलर कुछ और हो। मतलब कि मैं इसको सिलेक्ट करके अगर मैं यहां से मैन्युअली कलर दे देता हूं तो ठीक है,
इसको सिलेक्ट किया हमने, इसमें डिफरेंट कलर दे दिया, बट प्रॉब्लम ये है कि फिक्स हो गया। अब मैं डेट हमारे वैल्यू हमारी चेंज होगी तो देखिए कलर चेंज नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम लोग कैसे कलरिंग कर देते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट एंगल से, भाई ग्रेटर देन 50 हो तो कोई और कलर हो और वो उसके साथ लिंक होता है, अगर 50 की जगह पे 30 आता है तो उसको चेंज कर देता है, अगर 30 की जगह पे 60 हो जाता है तो कलर अप्लाई कर देता है। ऐसे कंडीशनल कलर हम चार्ट में चाहते हैं। तो कैसे करें इसके लिए, तो यहाँ पे हमें इफ का फॉर्मूला देना, हम देंगे यहाँ पे इफ, यहाँ पे मैं करता हूं कि लेस देन यहाँ पे 0 to 40, यहां देता हूं यहाँ पे 41 to 80 और यहाँ पे ग्रेटर देन 80, तीन हमने सैंपल देते हैं। और यहाँ पे इफ कंडीशन देता हूं कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 हुआ तो यहाँ पे वैल्यू शो हो जाए, अदरवाइज ब्लैंक, और नीचे हमने ड्रैग कर यहाँ पे फिर कंडीशन दिया इफ, बट यहाँ पे बिटवीन है, यहाँ हम एंड का फॉर्मूला देंगे कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है और ए लेस देन इक्वल टू 80 है तो ए वैल्यू को शो करे, अदरवाइज ब्लैंक करे। रैंडमली का फॉर्मूला लगा रखा है इसलिए रैंडम नंबर चेंज हो रहा है, आप अगर दिक्कत है इसको कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कर देता हूं ताकि फॉर्मूला हमारा रिमूव हो जाएगा। फिर नीचे की तरफ हम ड्रैग किए और फिर यहाँ पे सेम कर देंगे कि इफ अगर ए ग्रेटर देन 80 है तो ए वैल्यू शो करे, अदरवाइज ब्लैंक शो करे, और फिर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करें। अब चार्ट हम ऐसे नहीं लगा सकते, चार्ट को हम इस तरह से नहीं लगा सकते क्योंकि तो हमें चार्ट इस पे नहीं अलग इस पे लगाना है। तो यहां हम ब्लैंक चार्ट इंसर्ट करेंगे, एक कॉलम चार्ट हम ब्लैंक इंसर्ट करेंगे और उसके बाद इस पे हम राइट क्लिक करते हैं और करते हैं सिलेक्ट डेटा। ध्यान से देखिएगा, राइट क्लिक और सिलेक्ट डेटा हमने किया, फिर इस पे ऐड पे आते हैं और सीरीज नेम हम दे दिया ए, इक्वल हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद वापस यहां पे ऐड पे क्लिक करते हैं और सीरीज नेम मैं यहां पे देता हूं 40 to 80 और कलर जो है यहां पे हम दे देते हैं, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर वापस ऐड पे क्लिक करते हैं, हमने इसको सिलेक्ट किया और फिर यहां पे हम इसको सेलेक्ट कर, ये जो 1, 2, 3 दिख रहा है इसके जगह हम एडिट करेंगे और अपना नेम दे देते हैं एंड ओके। समझ गए, डिफरेंट डिफरेंट कलर है। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करना है तो राइट क्लिक करके हमने चला गया है इसमें फॉर्मेट डेटा सीरीज और इसकी जो ओवरलैप है इसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। थोड़ा सा ये बड़ा हो जाए और यहां से गैप को भी थोड़ा सा बढ़ा दीजिए तो थोड़ा सा ये बढ़ा दीजिए। और उसके बाद इंडिविजुअली अगर कलर चेंज करना है, ये आपका क्या है 80 वाले सीरीज का है तो 80 वाले सीरीज का मैं चाहना चाहता हूँ ग्रीन हो तो हमने ग्रीन दे दिया। अब मैं चाहता हूँ ये हमारा कौन सा है 41 से 81 को हम यहाँ पे येलो देना चाहते हैं, येलो आ गया और लेस देन 40 वाले को मैं देना चाहता हूँ रेड टू रेड आ। अब यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए 16 है, 16 को मैं 61 कर देता हूँ तो देखिए 61 येलो कलर में आ गया और 50 वाले को मैं यहाँ पे जो है 15 कर देता हूँ, एंटर मारते हैं, देखिए 50 किसका है नीतू का है तो ये ऑटोमेटिकली रेड कलर में चला जाएगा। तो कंडीशनल कलर की चार्ट हम इस तरह से बनाते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा या कोई डाउट है इसमें? आ गया, आ गया।
संजय जी आपको तो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि थोड़ा सा आगे की कोर्स है, तो आप तो डेमो ज्वाइन किए थे, क्लास को आप जॉब कीजिए। जब हम आपकी क्लास स्टार्ट करेंगे तो हर चीज बेसिक से सिर्फ समझाएंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। ओके, और आपका माइक अनम्यूट है तो मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं। अगर कुछ बोलना होगा तो नाम का आगे सिंबल लगा है उसको माइक का सिंबल को क्लिक कर दीजिएगा। अब इसमें आगे चलते हैं अगले एग्जाम। तो डैशबोर्ड रिपोर्ट ऑटोमेशन की इस क्लास में हम अगली सीरीज पे बात करने जा रहे हैं। हम चार्ट ही बनाना चाहते हैं। तो जनरली क्या होता है कि जब चार्ट बनाते हैं तो उसमें आपका डेटा एक्सेल सीट पे होता है। तो इस एग्जांपल में आपके साथ ये डिस्कस करना चाहते हैं कि हम डेटा को चार्ट के अंदर ही रखना चाहते हैं, किसी एक्सेल सीट पे नहीं होगा। मेरा डेटा किसी एक्सेल सीट पे नहीं होगा, वो चार्ट के अंदर रखना चाहता, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने चार्ट बनाया, यहाँ पे हमने चार्ट बना दिए, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर मैं इसको डिलीट कर दिया तो हट जाएगा, या हाइड कर दिया फिर भी चार्ट आपका नहीं दिखेगा। सो मुझे डेटा को शो नहीं करवाना है। आप चाहते हैं कि मेरा डेटा, मेरा जो चार्ट है वो चार्ट इसी के अंदर, तो कैसे करेंगे? तो मैंने आपको सीरीज का फॉर्मूला समझाया था ना, ये देखिए। तो सीरीज के फॉर्मूले में सीट को हम यहां से डिलीट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट में इसके नंबर डाल देते हैं 85, 36, 45, 62, और फिर इसको हम डिलीट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में डाल देते हैं जैन। जो सीक्वेंस है आपके डेटा का सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में रखेंगे, मार्च, अप्रैल और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। और यहां जो टाइटल है वो आप यहां पे इन्वर्टेड कॉमा में जो टाइटल देना चाहते हैं वो दे दीजिए, सेल्स। अब मैं यहां एंटर मारता हूं तो देखिए डेटा से मेरा लिंक हट गया। अब मैं इसको यहां से डिलीट कर सकता हूं। तो मेरा जो डेटा है वो चार्ट के अंदर ही है, तो जिसको कहीं भी हम मूव कर सकते हैं, समझ गए? तो ऐसे चार्ट हम कहां यूज करते हैं? जहां हमारा फिक्स्ड डेटा होता है। डेटा जो होता है वो फिक्स होता है, जी कंट्रीब्यूशन होता है, इंसेंटिव प्लान्स होते हैं, कमीशन रेट्स होते हैं, कमीशन कंट्रीब्यूशन होता है उस पे। जैसे कि मान लीजिए टिकट, ट्रेन का ही टिकट देख लीजिए, तो उसकी कंट्रीब्यूशन है ना कि कस्टमर से कितना लिया जा रहा है, 41% फेयर जो है वो फेयर आपका गवर्नमेंट सब्सिडी के रूप में देती है, तो इस तरह कंट्रीब्यूशन फिक्स होता है ना। तो उस केस में उसको हम डैशबोर्ड जब शो करते हैं तो इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या मुझे चार्ट बनाने के लिए पहले डेटा को एक्सेल सीट में रखना होगा, फिर चार्ट बनाना होगा, फिर इसका यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने अपना लाइन चार्ट ही यहां से इंसर्ट कर लिया, मैं एक ब्लैंक चार्ट इंसर्ट करता हूं, क्या करता हूं, ब्लैंक चार्ट, इसका कोई लिंक नहीं है, फिर इस पर राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा पे जाता हूं और यहां ऐड पे सीरीज पे आऊंगा, सीरीज नेम यहां दे देता हूं सेल्स 2020 और यहां कर्ली ब्रैकेट में अपना डेटा दे देता हूं कि 20, 30, 40, 50 एंड ओके करता हूं। यहां सीरीज क्रिएट हो गए और यहां एक्सिस के लिए हम वापस एडिट पे आते हैं और यहां हम इसमें कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, कर्ली ब्रैकेट खुद बखुद लगा देता है, फेब, मार्च एंड अप्रैल यहां कर देते हैं एंड ओके एंड ओके। तो ये आपके सामने
इस तरह से हम लगा सकते हैं। दूसरी चीज कि मेरे पास दो अलग अलग सीट पे डेटा है, तो क्या हम उसको एक सीट पे चार्ट लगा सकते हैं? से एग्जांपल मैं इसको रिपीट करता हूं, ये हमारे पास क्वार्टर वन है, ये हमारे पास क्वार्टर टू है, और यहां हमने नेम दिया हुआ, मेरे पास दो अलग अलग डेटा है और उसको मैं तीसरे सीट पे चार्ट लगाना चाहता हूं, तो अगली एग्जांपल मेरा यही है। देखिए उससे पहले इस एग्जांपल पे कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? संजय जी, राहुल जी, नवीन जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर, नो सर। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब जैसे कि हम इस एग्जांपल में बात करने वाले हैं कि मेरे पास डेटा दो जगहों पे है, क्वार्टर वन वाले सीट पे और क्वार्टर टू वाले सीट पे, तो लेकिन इसमें क्या है कि नेम का सिक्वेंस जो क्वार्टर वन पे है वही हमारा क्वार्टर टू पे है, पर डेटा हमारा अलग अलग है। तो अब यहां पे मैं चाहता हूं कि तीसरे चार्ट में यहां चार्ट लगे लेकिन दोनों सीट से डेटा, मतलब कि मैं तीसरे सीट पे दोनों सीट का डेटा इकट्ठा नहीं करना चाहता, क्योंकि ये डेटा किसी फॉर्मूले से आया हुआ है और मुझे यहां भी अलग से दिखाना है। सो ऐसी पॉसिबिलिटी मान लीजिए, इमेजिन कीजिए कि नहीं है, तो कैसे दो अलग अलग सीट का डेटा चार्ट हम यहाँ पे लगा सकते हैं? तो उसके लिए आपको तीसरे सीट पे आपको एक ब्लैंक चार्ट क्रिएट करना है और फिर यहां राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा पे जाना है, ऐड, और पहले सीट में क्वार्टर वन को यहां पे हम मैनुअली क्वार्टर वन लिख दीजिए या फिर आप अपने हिसाब से अलग अलग इसको दे सकते हैं। ओके, और फिर मैं यहां जो है इसका सीक्वेंस मैं दे देता हूं क्वार्टर वन, फिर वापस मैं एक बार और ऐड करूंगा और ये हो जाएगा हमारा क्वार्टर टू, और यहां क्वार्टर टू के लिए हम क्वार्टर टू से डेटा ले लेते हैं, बट इसकी जो नीचे का एक्सिस है वो नहीं है, यहां ओरिजिनल एक्सिस पे आप जाइए, क्लिक कीजिए और यहां पे किसी भी सीट का एक ले लीजिए क्योंकि दोनों का तो सेम सीक्वेंस है ना, तो आपके सामने यहां इस तरह से आ जाएगा दो अलग अलग। अगर हम बात करें कि मेरे पास एक ही सीट में डेटा है लेकिन दो अलग अलग टाइप में है, जैसे कि एक डेटा हमारा ऐसा है और एक डेटा का सीक्वेंस जो है वो हॉरिजॉन्टल है, मतलब कि रोटेट है, तो क्या हम इस पे चार्ट बना सकते हैं? जी हाँ, ऑफकोर्स बना सकते हैं, बट कंडीशन वही है कि जो सीक्वेंस यहां है वही सीक्वेंस आपका यहां भी होना चाहिए। तो इंसर्ट, यहां पे हमने सिलेक्ट डेटा लिया, राइट क्लिक सिलेक्ट डेटा और एडिट किया, और हमने सीरीज नेम में हमारा सेल्स वन एस या टाइप कर दीजिए, सेलेक्ट कर दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और फिर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर वापस हम ऐड करते हैं और यहाँ पे सेल्स टू और यहाँ, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि डेटा आपका हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, और आपका डेटा इस तरह से बन जाता है। तो दो तरीके से चार्ट आप लगा सकते हैं। अब दो तरीके की बात आई तो क्या होता है, कभी कभी हमारे पास डेटा काफी बड़ा होता है, डेटा हमारे पास काफी बड़ा होता है,
लेकिन मुझे चार्ट पूरे डेटा पे नहीं, किसी पर्टिकुलर डेटा पे ही लगाना। वो कैसे लगाएंगे? जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पे मंथली सेल्स का डेटा है और मुझे यहाँ जो निकालना है वो टोटल पे निकालना है, मुझे मंथ वाइज नहीं टोटल पे निकालना है। तो यहाँ पे हम सम कर देते हैं, यहाँ पे टोटल टोटल कॉलम दे देते हैं और फिर यहाँ हम सम का फॉर्मूला डालते हैं, इसको करते हैं। अब मुझे चार्ट इस पे लगानी है, तो इसके लिए सिलेक्ट डेटा करने की जरूरत नहीं है, आप इसको सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल के साथ अपने टोटल वाले शीट को सिलेक्ट कर लीजिए। अब इस पे आप डायरेक्टली चार्ट बना सकते हैं। अगर नहीं है, अगर प्रॉब्लम हुआ, तो फिर वही आप क्या करें, ब्लैंक चार्ट इंसर्ट कर लें, एक ब्लैंक चार्ट यहां से इंसर्ट कर लें, जो भी चार्ट करना चाहते हैं, फिर राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा और फिर इसमें ऐड, यहां पे टोटल और यहां नीचे जो है हम क्या करेंगे, अपना डेटा को सिलेक्ट कर लें और फिर यहां एक्सिस में हमने इनको सिलेक्ट कर, ऐसा हम कर सकते। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज हमने काफी सारे एग्जांपल्स आपको बताए हैं, एक बार आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें और फिर आगे हम इस बारे में डिस्कस कर लेंगे कल की क्लास में जो प्रॉब्लम होगी। कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, जिन्होंने रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, तो मैं उनके लिए रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाल के मैं लिंक भेज देता हूँ, ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में आसानी हो।